Prime Minister Narendra Modi had recently released a book of Vice President Venkaiah Naidu's speech compilations. Union Minister Rajiv, Pratap, Rudy and Mukhtar, Abbas, Naqvi recalled their days with Venkaiah Naidu as a fellow cabinet colleague and described him as a common man's politician with causes of farmers and poor close to his heart at a function at Constitution Club. Speaking about Naidu's book, Tireless Voice, Relentless Journey, a compilation of his select parliamentary speeches and articles, Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Pratap Rudy said, the book provides an insight into the country's political history. I think this book is in itself a complete and exhaustive story of India's political history. It can become a good political history, it can become a good speaking history for any school or college debates, because there's so much of information. तो मुझे लगता है कि ये पिछले दो दशक के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को अगर समझना हो और अगर किसी 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 विषय को या किसी घटना को या किसी देश की ऐसी चर्चा को हो जो जम्मू कश्मीर में हो, आतंकवाद से हो, या श्रीलंकन फिशरमैन के सवाल पर हो, या नॉर्थ ईस्ट के सवाल पर हो, या ब्रू ट्राइब्स के बारे में हो, या चकमा ट्राइब्स के बारे में हो, या फिर देश के भीतर राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हो, या फिर आंध्र प्रदेश के बंटवारे के सवाल पर हो, मुझे लगता है कि दो दशक में किसी भी विषय पर अगर इनपुट्स प्राप्त करना हो तो ये दो पुस्तक वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 अपने आप में राजनीतिक रूप से पर्याप्त है. On the other hand, Union Parliamentary Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi recalled his days with Venkaiah Naidu in Jammu and Kashmir as BJP president, and Naqvi was a convener of an event organized there. मुझे अच्छी तरह याद है कि वेंकैया जी पार्टी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था. तो मुझे कहा कि भाई श्रीनगर में बहुत ज़्यादा जो है वो कश्मीर में उस समय अलगाववाद आतंकवाद का एक बहुत उफान था, बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ा हुआ था. तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सभा करना चाहते हैं हम. तो मुझे लगा कि कैसे सभा होगी, वहाँ कैसे लोग आएंगे. तो उनको किसी ने बताया होगा कि शेर कश्मीर पार्क है. उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर पार्क में करेंगे. तो और मेरी मुझे लगा कि अब ये क्या होगा, शेर कश्मीर पार्क तो बहुत बड़ा पार्क है, बीजेपी की एंट्री ही श्रीनगर में उस समय तो मुश्किल था, और उसके बाद शेर कश्मीर पार्क. तो मैंने कहा ठीक है. तो बोले कि कुछ भी हो, ऐसे हम नहीं जानते, कुछ भी हो करना ही है वो. तो हमने कहा ठीक है साहब. तो मैं एक दो दिन पहले पहुंच गया, सब इधर उधर कोशिश की, लोगों से बात की, ये हुआ कि ठीक है हम लोग आएंगे आएंगे. लगा कि हमें 100-200 लोग जो है वो शेर कश्मीर पार्क में पहुँचेंगे. तो मैंने बताया कि साहब 150-200 लोग आएंगे लगता है. तो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं भी आएंगे, कम आएंगे तो भी हम आएंगे. तो वेंकैया जी पहुँचे, शेर कश्मीर पार्क पहुँचे हम लोग, मंच बहुत अच्छा सजा हुआ, सजा वजा दिया था, झंडे उंडे खूब लगाए थे हमने. जब वेंकैया जी पहुँचे तो एक 10-12 आदमी सामने मैदान में थे, और मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डांटेंगे कि ये क्या. उनका ये 10 नहीं है, ये 10 लाख लोग हैं. जिस विपरीत परिस्थितियों में ये 10 लोग इस शेर कश्मीर पार्क में, आतंकवादियों ने अलगाववादियों ने कह दिया था कि अगर कोई घुसा और कोई उस मीटिंग में गया तो उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा, उसके बावजूद ये लोग हैं. उसमें महिलाएं थीं और कुछ लोग थे, बुज़ुर्ग भी थे. और फिर वेंकैया जी ने मोर देन हाफ एन आवर वहाँ पर बोला. या उसके बाद फिर वेंकैया जी ने कहा कि साहब हम जो है वो डल झील में जाएंगे, और डल में जो है वो उस वक्त तो बहुत, आप लोगों को याद होगा, वो ऐसा युग था कि एकदम पीक पे था उस वक्त इंसर्जेंसी. तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, बात करके फिर वो उन्होंने डल में जो है वो जो नाव शिकारा होता है उससे वो पूरे उसमें घूमे, वहाँ पे लोगों से बात की, वो जो वहाँ पे सब्ज़ी बेचते हैं उनको रोक करके बात की, वहाँ के और लोगों से बात की. इस तरह का उनका जो लोगों के को लेकर सरोकार था, वो सरोकार और सोच जो है वो गजब की थी.